एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अस्थालिन सिरप के बारे में। ये अस्थालिन सिरप के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, जहाँ तक कि आपको पता है कि इसे हाफी वाली खांसी में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका और कहाँ कहाँ यूज है और कहाँ कहाँ यूज हम कर सकते हैं और इसे हमें कैसे लेना चाहिए और ये कैसे हमारे बॉडी में काम करता है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला। सबसे पहले समझते हैं कि जो अस्थालिन सिरप है इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता क्या है। इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप देख रहे होंगे कि इसमें होता है सल्बुटामोल सल्फेट। अभी सल्बुटामोल सल्फेट होता क्या और करता क्या है? ये सल्बुटामोल सल्फेट एक तरह का ब्रोंको डायलेटर है। ये अपने ब्रोंकस जो होता है ना, जो फेफड़े के अंदर होता है, उसे डायलेट करता है कि हम आसानी से सांस ले और छोड़ पाए। अब समझते हैं इसके यूज का। इसका यूज हम करते हैं अस्थमा में, ठीक है, और COPD में। COPD क्या होता है? ये एक तरह का होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में और छोड़ने में तकलीफ होती है। फेफड़ा की जो नली होती है उसमें किसी वजह कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब रुकावट हो जाता है, उसमें लेते हैं। किसी को खांसी हो रही है उसमें यूज कर सकते हैं, छींक आ रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसमें यूज कर सकते हैं। अब इसे आप खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब ये जो सिरप है ये अस्थमा अटैक में तो यूज़ किया ही जाता है। उसके अलावा यदि आपको एक्सरसाइज करने में या किसी सिगरेट से या किसी हाउस डस्ट से या पोलन से या पेट से किसी वजह कोई एलर्जी है आपको, तो आप उस एलर्जिक जगह पे जाने से पहले आप इसे एक ढक्कन ले सकते हैं, जिससे आपको ये सब काम करने में, एक्सरसाइज करने में तकलीफ नहीं होगी। यदि आपको एक्सरसाइज करते समय हाफी होती है तो एक्सरसाइज से पहले एक 2.5 ml या 5 ml, एडल्ट हिसाब है तो 5 ml ले सकते हैं, इससे आपको एक्सरसाइज करने में तकलीफ नहीं होगी। अब समझते हैं कि ये जो सिरप है ये कैसे काम करती है। जैसे आपको मैंने बताया कि सल्बुटामोल एक तरह का ब्रोंको डायलेटर है, तो ये ब्रोंकस को डायलेट करता है, जिससे जो लंग्स का जो नली होता है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिससे सांस लेना और छोड़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट का। इसका साइड इफेक्ट है, जैसे इसे हाई डोज में लेने पे ट्रिमर हो सकता है, हेडेक हो सकता है और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर सकता है और बेचैनी जैसा हो सकता है। अब समझते हैं कि हमारे बॉडी में कैसे ये काम करता है। सल्बुटामोल क्या है? एक ब्रोंकोडायलेटर, जहाँ तक आपको पता है ये मसल को रिलैक्स कर देता है, जिससे जो अपनी फेफड़े की जो नली है वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है, जिससे सांस लेना और छोड़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है काम करने का। ऐसी मेडिसिन रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और किस मेडिसिन के बारे में आप जानना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।